हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो कंसेप्ट या टाइप हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई गेस आपके पेज 35-36 पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। इस टॉपिक में हम लोग पहले तो क्या सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं बेसिकली, और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है बाद में सीखेंगे। सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके नाम में ही उसका मतलब है दोस्तों, कॉम्बिनेशन। एक सिंपल एग्जाम्पल आपके डे टू डे लाइफ में का लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल है कि आप ने एक चीज देखी रहेगी, नींबू, ठीक, पानी, ठीक, नींबू पानी, नींबू पानी, ठीक। एक प्रोडक्ट है नींबू, एक रिएक्टेंट है नींबू, दूसरा रिएक्टेंट था पानी, दोनों को मिलकर बन गया नींबू शरबत, ठीक। तो दो रिएक्टेंट्स नींबू और पानी रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, अलग सिंगल प्रोडक्ट देते हैं जो है नींबू शरबत या नींबू शरबत, ठीक। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दो या तीन या उससे ज्यादा बंदे अगर आपस में रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज आपको मैगी बनाना है, ठीक, आप उसमें मैगी का पैकेट डालोगे, कुछ मसाले डालोगे, मे बी ओनियन कट करके डालोगे, टोमेटो कट करके डालोगे और बहुत सारी चीजें डालने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है मैगी, ठीक। उसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स अगर कंबाइन करे, खुद को रिएक्ट करे और कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए, सिर्फ एक, तब उसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन आपके सामने है, डेफिनेशन आपको जैसी है वैसी ही मेमोराइज करना होती है, लर्न करना होती है, ठीक। एक एग्जांपल, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा बट सबसे पहले जो एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं, आयन प्लस सल्फर, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स कौन है, पहला आयन है सॉलिड फॉर्म में, दूसरा सल्फर है सॉलिड फॉर्म में, दोनों रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको कहते हैं FeS, यानी आयन सल्फाइड, ठीक है। आयन प्लस सल्फर गिव आयन सल्फाइड, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, आयन प्लस सल्फर गिव आयन सल्फाइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आयन और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अकेला प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट जिसका नाम है आयन सल्फाइड, ठीक। और भी एग्जांपल्स लेकर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया हो डेफिनेशन और पहला एग्जांपल। फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक। मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स लेकर आपको सारे रिएक्शंस एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज हर एक को ध्यान से स्टडी कीजिए और नोट कीजिए। सी, सबसे पहले फ्रेंड्स, अमोनिया, थर्ड एग्जाम्पल में एक्सप्लेन, सेकेंड एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गिव NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। अमोनिया है NH3, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, गिव NH4Cl, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, HCl, NH4Cl, NH4 अमोनियम, Cl क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक।
अब अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसियस फॉर्म में है, NH4Cl भी इनिशियली गैसियस फॉर्म में होता है, बट क्योंकि उस रिएक्शन में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होने के बाद फिर वो अमोनियम क्लोराइड जो इनिशियली गैसियस फॉर्म में था फाइनली वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो सेकेंड एग्जाम्पल था NH3+HCl गिव NH4Cl, यानी अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव अमोनियम क्लोराइड। दीज आर द टू रिएक्टेंट्स, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, बैलेंस्ड है या नहीं। एन एक है, एक है, हाइड्रोजन तीन और एक चार, चार, क्लोरीन एक है, एक है। ठीक, तो ये बैलेंस रिएक्शन था। थर्ड एग्जाम्पल है मैग्नेशियम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन एयर टू गिव मैग्नेशियम ऑक्साइड, मैग्नेशियम रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन एयर टू गिव मैग्नेशियम ऑक्साइड। ठीक, बैलेंसिंग चेक करिए, मैग्नेशियम Mg है, ऑक्सीजन O2 होता है, दोनों रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं जो है मैग्नेशियम ऑक्साइड। ठीक, मगर मुझे कहिए बैलेंसिंग में यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही है, ये तो अन्याय वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी दो होने चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर कितना लगा दिया, दो लगा दिया। अब ऑक्सीजन दो थे, इधर भी ऑक्सीजन दो हो गए, मगर साथ ही में मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो, और इधर कितना था, एक, अब इधर मैंने लगा दिया दो, अब मैग्नीशियम भी दो हो गए और ऑक्सीजन भी दो हो गए। दिस इज हाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बैलेंसिंग भी सिखाया मैंने, साथ ही में ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, मैग्नेशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स है, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं मैग्नेशियम ऑक्साइड। फोर्थ रिएक्शन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट्स विद वाटर H2O टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH taken twice। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CaOH taken twice, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। काउंट करेंगे, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यानी दो, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, यानी ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको नए से कोई बैलेंसिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर आपने कहा था कि दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे रिएक्ट कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर यहाँ पे तो दो जन दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो हीट आपको दिखाई दे रहा है, कहना चाहूंगा कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तब हमको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH taken twice, लेकिन ये रिएक्शन में एट द एंड हीट रिलीज होती है, हीट लिबरेट होती है, हीट इज गिवन आउट, एंड देयरफॉर वो यहां पर लिखा गया गया है कि हीट इज गिवन आउट, प्रोडक्ट में हीट दिखाई दे रहा है, यानी हीट इज गिवन आउट। कहना चाहूंगा हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमको सिर्फ एक ही मिला, CaO प्लस H2O दोनों रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं CaOH taken twice, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन साथ ही में इस रिएक्शन के एंड में क्या रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, हीट एक प्रकार का एनर्जी है, वो कोई प्रोडक्ट या वो कोई सब्सटेंस या वो कोई कंपाउंड नहीं है। तो रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट उसमें हीट रिलीज होती है, इसके लिए उसको यहां पर लिखा गया है। जबकि मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, जहां पर दो रिएक्टेंट्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट कौन सा दे रहा है, दे रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH taken twice। ठीक, एंड हीट इज रिलीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीन एग्जाम्पल्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं आपको, वो मैंने सिखाए,
इसके साथ भी एक और एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ओल्ड सिलेबस में दिया था लेकिन आपको पता होना जरूरी है, वीआईपी है। तो इसके साथ ही एक फिफ्थ एग्जाम्पल, मैं इसको इरेज करूंगा भी, एक फिफ्थ एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहा हूं जिसको आप प्लीज ध्यान से देखिए और स्टडी करिए, जो कि फिर से एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिफ्थ नंबर। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सीखने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट, आपके हेलो फ्रेंड्स अब हम सीखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लास्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक, एक वीआईपी एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर कोई एरिया में, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर का प्रमाण भरपूर है, मॉइस्चर यानी वाटर वेपर H2O गैसियस फॉर्म में है, यानी मैं आपको कहना चाहूंगा ये कौन है, H2O है मगर वाटर वेपर है। ठीक, जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट होता है वाटर वेपर। ठीक, अगर वो एटमॉस्फेयर में, अगर उस एरिया में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया, ठीक, अगर हम लोग देखते हैं हाईली पोल्यूटेड एरियाज में इंडस्ट्रीज वगैरह जाते हैं, अगर वहां पर एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रमाण जरूरत से बढ़ जाए, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एंड सो ऑन। हाउएवर, मैं आपको कहने जा रहा हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा जरूर, अगर आगरा की बात मैं करूंगा, आगरा में कुछ साल पहले की बात है, एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रमाण ज्यादा हो गया था, ऑल्सो वहां पे वाटर वेपर का प्रमाण भी भरपूर था, तो हवा के हवा में, एटमॉस्फेयर में कौन सा रिएक्शन हुआ, वाटर वेपर रिएक्टेड विद द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द एटमॉस्फेयर ओवर देयर इन आगरा, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाए, कार्बोनिक एसिड बनाए। फ्रेंड्स, आगरा में ताजमहल के जस्ट ऊपर ये रिएक्शन फॉर्म हुआ था। क्या था, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का प्रमाण, यानी H2O गैसियस फॉर्म में मैंने दिखाया है क्योंकि वो वाटर वेपर है। ठीक, H2O यानी वाटर वेपर रिएक्टेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच वॉज इंक्रीज्ड इन प्रपोर्शन इन द एटमॉस्फेयर, ज्यादा प्रमाण में था। ये वाटर वेपर किसके साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एटमॉस्फेयर में रिएक्ट किया, और बदले में दोनों रिएक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट कौन सा दिया, सिंगल प्रोडक्ट H2CO3, जिसे कहा जाता है कार्बोनिक एसिड लिक्विड फॉर्म में। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलकर बनता है कार्बोनिक एसिड, और वहां पे बारिश के दिनों में जो बारिश हुई, वो बारिश ताजमहल के डोम के ऊपर गिरने के बाद उसको वहां पर खड्डे गिरे। क्यों खड्डे गिरे, क्योंकि जो ड्रॉप्स रेनफॉल में से जो ड्रॉप्स नीचे गिरे वो किसके थे, H2CO3 के थे, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, खतरनाक होता है दोस्तों। और ये क्यों सिंथेसाइज हुआ एटमॉस्फेयर में, क्योंकि CO2 का प्रमाण उस एरिया में ज्यादा हो चुका था, जरूरत से ज्यादा, जिसके कारण वहां पे प्रेजेंट रहने वाले वाटर वेपर ने किसके साथ रिएक्ट किया, CO2 के साथ, H2O इन गैसियस फॉर्म, दैट इज वाटर वेपर रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू गिव कार्बोनिक एसिड विच इज अ लिक्विड। एक रेन, जब रेनफॉल होता है तो उसमें से वो गिरता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज लिक्विड इन फॉर्म, और इसी वजह से ताजमहल के ऊपर वहां पर खड्डे आपको, होल्स आपको दिखाई देंगे। तो इस रिएक्शन को माना जाता है एसिड रेन्स का जिम्मेदार। ये रिएक्शन किससे रिलेटेड है, एसिड रेन नाम का जो कंसेप्ट है कि रेनफॉल में से एसिड नीचे गिरता है, कब, जब ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कब होता है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रमाण जरूरत से ज्यादा होता है,
वॉटर वेपर इन द एटमोस्फियर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड सो एज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक, एंड दिस इज अ कार्बोनिक एसिड, और इससे होने वाले रेनफॉल को कहा जाता है एसिड रेन्स. क्या कहा जाता है? एसिड रेन्स. ये एक VIP एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगा 5th नंबर का, जो कि किसका एग्जाम्पल है, नो डाउट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही ये एक एग्जाम्पल था. ठीक, यहां पर मैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरी तरह सारे पॉइंट्स में उसके कवर करता हूं. हमने सीखा उसका डेफिनेशन, हमने सीखे उसके 5 एग्जाम्पल्स. ठीक, अगले वीडियो में मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं. प्लीज वीडियो आपको कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और हमको कहिए कि आपके क्या सजेशंस है. प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको जरूर याद से लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आनंद हिरण ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.